आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। स्मार्ट सिटी का पैमाना क्या है? क्या स्मार्ट सिटी का सपना देखने वाले ताजनगरी के लोगों को पता है? स्मार्ट सिटी की बात तो दूर, एक टूटी हुई सड़क अगर कई वर्षों तक नहीं ठीक हो सकती है तो स्मार्ट सिटी का सपना संजोने का मामला भी बेमानी साबित होता है। ऐसा ही कुछ नजारा सी न्यूज की टीम ने कैमरे में कैद किया। खस्ता हाल इस सड़क के नज़ारे को देखिए। ये सड़क है एक विकसित और सबसे ज्यादा महंगा माने जाने वाला क्षेत्र पश्चिमपुरी का। बोदला से हेमा पेट्रोल पंप की ओर से ईट की मंडी से पश्चिमपुरी की ओर जाने वाली सड़क का। इस सड़क के पास जैसे ही कोई वाहन आता है तो वो दोनों तरफ से हिलोरे मारने लगता है। वाहनों की हालत देखकर लगता है कि वाहन कहीं पलट नहीं जाएं। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। योगी जी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको गाड़ी निकालने में कैसा लगा? अरे पूरी गाड़ी गंदी हो जाती है, धुलाने कोई फायदा ही नहीं है, धुलवाते ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि रोड पर नहीं जाना पड़े, पर मजबूरी आना पड़ता है। ये तो करीब हमें लोकल है, हम तो आते जाते रहते हैं, बिल्कुल हो गए। परेशानी होती है, बच्चों को भी दिक्कत होती है, और कई बार गाड़ी इधर से उधर हो गई है और गड्ढे में एक बार फंस भी गई थी, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। ये क्या जी, इसका शास्त्रीपुरम ये हो गई करीब एक डेढ़ साल, तो मैं देख रहा हूँ सर, यहीं से निकलता हूँ यहीं से जाता हूँ। हमें लगती है यहाँ पर गाड़ी स्लो भी निकालें तब भी बहुत लगती है, इसलिए हम आगे बैठते हैं जिससे लगे ना। हमें इनसे कितनी बार बोल चुके हैं कि ये सही कैसे होगी, कोई सही नहीं कराता है। सड़क की दुर्दशा देखकर किसी गांव की 40 वर्ष पुरानी सड़क की याद आती है। सड़क में 2-2 फुट के गड्ढे हो चुके हैं। कई बार कई लोग अपनी वाहन लेकर इसमें पलट भी जाते हैं। कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं। स्कूल के वाहनों को निकलने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जरा इस ट्रैक्टर को देखिए, ये इस टूटी और गड्ढे युक्त सड़क से निकल नहीं पा रहा है। ऐसी ही हालत यहाँ पर अक्सर बनी रहती है। मैं मुकेश परमार शास्त्रीपुरम से आ रहा हूँ, और बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा जाना आना लगा रहता है क्योंकि मेरा घर यहीं अंजल में पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है। कभी कभी घूम के भी जाना पड़ता है क्योंकि पानी गाड़ी डूब जाती है इसके अंदर पूरी तरह से। बहुत बड़े में मतलब करीब 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं इसमें, पानी से भरा पड़ा हुआ। काफ़ी हो गया मेरे को, 1 साल से तो हो गया। हाँ 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका सर, 3 साल से यही हालत है। बहुत बुरी तरह से परेशानी हो रही लोगों को, आने जाने वालों को। इतने रोड इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि लोग बाग एक दो हादसे पड़े हो रहे हैं और प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर। एक्सीडेंट हो गए, कल ही एक का हाथ टूटा है सर यहाँ पे, और बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। परसों पहले दिन जाम भी लगवाया था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आए कुछ भाजपा के नेता थे, कुछ पदाधिकारी थे, आए उन्होंने आश्वासन दिया और चले गए। पश्चिमपुरी की खस्ता हाल सड़क ADA के अंडर में आती है। इसी तरफ ADA की कॉलोनी भी है। ऐसा नहीं है कि सड़क से संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं निकलते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारी आग पर पट्टी बांधे हुए हैं। इस क्षेत्र की नालियां भी सही होनी है, नालियों की वजह से सड़क खराब हो जाती है। सड़क को नालियों से ऊपर बनाना पड़ेगा, तभी बार बार होने वाले कटान को रोका जा सकेगा। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।